नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू म्यूजिकल म्यूजिक्स। जैसे आप सबको पता है कि हमारा ये सेकेंड सीजन है। पहले सीजन में भी हम लोगों ने काफ़ी कलाकारों के साथ बातचीत की, उससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला, कलाकारों से भी मिला और दर्शकों से भी बहुत प्रोत्साहन मिला मुझे। और इसी की वजह से मैंने दूसरा सीजन भी ये साल में शुरू किया था। तो हर एक कलाकार की एक जर्नी होती है और हर एक कलाकार की जर्नी अलग होती है, तो ये जानने के लिए ही ये एक सीरीज जो है मैंने प्रारंभ किया था। और सबको बता दूं कि ये सब जितने एपिसोड्स, मेरे ख्याल से 60 से भी ज़्यादा एपिसोड्स हो गए अभी, और सभी एपिसोड्स आपको म्यूजिकल म्यूजिक्स बाय धनंजय हेगड़े नाम के यूट्यूब चैनल में मिलेगा। आप कभी भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि हर एक कलाकार की जर्नी और बहुत कलाकारों ने बहुत अच्छे एक मार्गदर्शन दिया है संगीत के विद्यार्थियों को, तो वो भी हमें बहुत उपयोग है, उसको उसका आप लाभ उठा सकते हैं। इसके वजह से मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि जो मेरी यूट्यूब चैनल है, मेरी मतलब म्यूजिकल म्यूजिक्स बाय धनंजय हेगड़े, वो यूट्यूब चैनल में आप जो भी जितना भी इंटरव्यूज हुई है उसको आप उधर देख सकते हैं। आज हमारे साथ जो है एक ऐसी कलाकार है, ये उनको बहुत मैं मानता हूँ, मेरी बड़ी बहन है वो, उनको बहुत मैं मानता हूँ। उनका संगीत एक प्योर म्यूजिक जो हम बोलते हैं आज के जमाने में, जो प्यूरिटी ऑफ म्यूजिक, उसको कायम रखने का बहुत कम लोग है उसमें से आज के मेरे गेस्ट है वो एक ऐसी कलाकार है। तो मैं बिना ज्यादा समय गवाए, मैं आज की गेस्ट श्रीमती शाश्वती मंडल मंडल जी को मैं आमंत्रित करता हूँ और उनसे हम लोग बातचीत करेंगे और उनका जो सांगीतिक जीवन है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। नमस्ते दीदी, नमस्ते धनंजय जी। थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय निकाला हमारे लिए और आप आए, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि मैंने आपके मोस्टली जितने इंटरव्यूज हैं वो देखे हैं, और जी मैं समझती हूँ कि ये बहुत अच्छा वेंचर था जी जिसकी वजह से लोगों को, सामान्य लोगों को कलाकारों से जुड़ने का, उनके बारे में जानने का एक सुलभ मौका आपने दिया है। मतलब दूसरों की यात्रा से हम कितना सीख सकते हैं, ये नई जनरेशन को भी पता चलता है। और मैंने कुछ कलाकारों के देखे इंटरव्यू, उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई कि जो मैं और आप भी सीख सकते हैं। हम मतलब हमारी उम्र के लोग भी हम सीख सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता है, हम सबसे बातचीत हमारी हमेशा नहीं हो पाती। नहीं तो हो पाते। मैं बहुत बधाई दूंगी कि आपने बहुत अच्छा कार्य आपने शुरू किया, और मैं चाहूंगी कि आप इसकी शताब्दी मनाएं। अरे बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, सच्ची में आपने सही, बहुत सही कहा कि मैंने बहुत कुछ सीखा है इससे। ये जो मेरी जर्नी है, लास्ट 2-1.5 साल से मैंने ये जो चलाई, बीच में मैंने ब्रेक भी लिया था क्योंकि मैं सोचा कि फर्स्ट वेव के बाद हो गया करके कोरोना, लेकिन कोविड का दूसरे भी एक लहर आने की वजह से मैंने दूसरे सीजन वापस शुरू की। जैसे आपने बताया, मैंने काफी कुछ सीखा मैंने, क्योंकि हर एक कलाकार का, जैसे मैंने बताया, कि जर्नी अलग होती है। ताई, मैं आप दीदी मैं आपसे एक पूछना चाहता हूँ पहले। क्यों हम थोड़ा संगीत से ही शुरुआत करें, थोड़ा मैं आपका कोई एक एक राग झिंझोटी का थोड़ा एक क्लिपिंग 1-5 मिनट के लिए बजाना चाहता हूँ। एक जरूर। मिनट जी, 1 मिनट।
वाह, सुनते बैठ सकते हैं, लेकिन हमें सबसे पहले बात करना है। तो YouTube में तो वो अवेलेबल है, कभी भी लोग उसको सुन सकते हैं। मैं आपसे दीदी पहले ये पूछना चाहूँगा कि आपकी जो सांगीतिक जर्नी है वो आपके माताजी श्रीमती कमल मंडल जी से आपका तालीम शुरू हुई, तो कैसे ये शुरू हुआ और आपके माताजी किन से सीखे थे, इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो मेरे नाना जी पंडित बाला भाव उमरेकर जो थे, उन्होंने ग्वालियर में ही उन्होंने अपनी तालीम ली और कुछ समय उन्होंने जो निसार हुसैन खान साहब थे उनसे भी सीखा था। तो और ग्वालियर दरबार में वो दरबार गायक थे जी। और हाँ, तो भाव साहब गुरुजी करके एक थे, वो डायरेक्टली हद्दू खां साहब के शिष्य थे भाव साहब जी, और फिर नाना जी ने उनसे सीखा था। तो वो परंपरा चली आ रही थी और हम लोग, मेरे पिताजी जो कि आर्मी में थे, तो हम लोग ननिहाल में रहे ज़्यादातर, और वो संगीत के संस्कार बचपन से ही कानों पे पड़ते रहे। मतलब इतना माहौल था कि मुझे याद भी नहीं कि संगीत मैंने कब शुरू किया, मुझे याद ही नहीं कि मैंने किस उम्र में एग्जैक्टली संगीत शुरू किया और तानपुरा कब मेरे हाथ में आया। तो उस समय तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते नहीं थे, तो हमारे हाथ में तानपुरा देके ही रियाज किया जाता था। और वो मेरे जो ननिहाल में जितने मेरे मामा मौसी सब लोग संगीत में थे, तो बड़ा सा एक घर था जिसमें सब लोगों का आना जाना, और हमारे नाना जी के जो शिष्य थे पुराने वो आते जाते रहते थे। तो हर कोई आके, अगर मैं बैठी हुई हूँ छोटी सी बच्ची तानपुरे पे रियाज कर रही है, तो वो कोई भी आके बोलेगा, सुबह सुबह आएंगे और बोलेंगे मुंह खोलो मुंह खोलो, लड्डू मुंह में जाना चाहिए, मुंह खोलो मुंह खोल के गाओ, ऐसे। मतलब
इतना कॉन्स्टेंटली, कोई इधर ठीक नहीं लग रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा है, वो नहीं, मतलब कॉन्स्टेंटली वो एक बचपन में जो ठीक करवाने का, जो टेक्निकल चीज़ें ठीक करवाने का काम था, वो सीखने के लिए मुझे बहुत एफर्ट्स नहीं करने पड़े, जी वो बहुत नेचुरल तरीके से ऑटोमेटिकली सीखते चले गए, होता चला गया। वाह मतलब मुझे उतने कष्ट नहीं करने पड़े, मैं भाग्यवान थी शायद कि मुझे जी वो संस्कार मिलते ही चले गए। और वाह मेरी माँ ने फिर बाद में, और मेरे मामा जी ने, बहुत उमड़ेकर, श्री राम उमड़ेकर खुद सितार वादक हैं, उन लोगों ने काफ़ी मेहनत की मुझे कि मेरा और गाना अच्छे से बढ़ता रहे बढ़ता रहे। रियाज पे ग्वालियर में बहुत ध्यान देते थे कि तानों की बहुत घुटाई होनी चाहिए, बहुत प्रैक्टिस होनी चाहिए, एक एक पलटा 108 बार होना चाहिए, सरगम ओ में, अकार में, हाँ, ईकार में, उकार में, सब तरीके से एक 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 पलटा 108 बार होना चाहिए वो माला लेके। हाँ तो ये बहुत बचपन से वहाँ पे तैयारी पे बहुत ध्यान दिया गया। और फिर बाद में ऐसा हुआ कि मुझे कुछ स्कॉलरशिप मिली, और फिर मैं ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा गाने लगी थी एक चाइल्ड प्रोडिजी की तरह। बाद में ऐसा हुआ कि फिर मेरा गला जो तैयार था, उसको देख के हुए मम्मी ने कहा कि इसको टप्पा सीखना चाहिए। और टप्पा के तो एक ही, उस समय तो एक ही मात्र थे, और वो ग्वालियर में थे। तो फिर वो मुझे, मेरी माँ जो है, मुझे पूछ वाले गुरुजी के पास लेके गई, और फिर वाह उन्होंने पहले मेरा सुना, और फिर उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया। फिर उन्होंने टप्पा, टपख्या, टप बंदिश के साथ में कुछ ग्वालियर के जो खास राग है, उनकी भी तालीम उन्होंने फिर आगे दी मुझे, ऐसा। वाह 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 और बाद में ये ये, सॉरी, सॉरी सॉरी आप कंप्लीट कीजिए प्लीज। हाँ, बाद की जर्नी में ऐसे हुआ कि फिर मैं, एक समय जब मैं आकाशवाणी में नौकरी करती थी, तो उस जी समय मैं कुमार जी के गायन से बहुत प्रभावित हुई। ओहो और फिर उसके बाद में मैंने पंडित मधु मुद्गल जी से भी फिर मैंने गाना सीखना शुरू किया। लेकिन जी उन्होंने एक चीज़ बहुत ही क्लियर की मुझे, कि वो खुद पंडित जी से सीखे हैं, और वो खुद उनकी गायकी गाते, लेकिन उन्होंने ये, वो बहुत परंपरावादी भी हैं, जी तो उन्होंने ये बहुत क्लियर किया कि जो तुमने परंपरा से सीखा है उसे भूलना नहीं है। कुमार जी की गायकी के जो कुछ अच्छे गुण हैं, जो कंटेंट से, वो तुम्हें किस तरीके से एकोमोडेट करने अपने गाने में, वो तुम्हें सोचना पड़ेगा, लेकिन पुराना गाना भूलना नहीं है। जो आपने बेसिक जो आपका ट्रेनिंग हुई है हाँ उसमें आपको कुमार जी का गाना जो भी अच्छा है वो लेना है आपको ऐसे उनका हाँ वो कितना, क्योंकि कुमार जी का गाना तो बहुत मुश्किल नहीं। गाना है, कैसे जी जी ले जी सकते हैं, एक एक जी जगह लेना मुश्किल है। जी बहुत तो सही है मैं तो उनका गाना सुन के थोड़ा वो समझ पाऊँ, मैं इसी में अपने आप को धन्य समझती हूँ कि मुझे उनका जी गाना सुन के मैं समझ पा रही हूँ कुछ। जी 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 बहुत सही है। मैं इसमें पूछना चाहती हूँ कितने सालों के बाद आपने पंडित बाला साहेब पूछवाले जी के पास आप गए और सिर्फ टप्पा सीखने के लिए गए या इवन शास्त्रीय संगीत का भी आपका तालीम उधर हुई? तो मेरे ख्याल से उम्र के 17 या 18वें साल में मैं गुरुजी के पास गई होंगी, और फिर आगे 8-10 साल उनसे मैंने सीखा। बेसिकली मैं अंडर स्कॉलरशिप गई थी टप्पे के लिए, नेशनल स्कॉलरशिप। तो बेसिकली उन्होंने शुरू में तो टप्पा ही मेरे को, जो स्कॉलरशिप के जो 2 साल थे उसमें उन्होंने मुझे टप्पा ही ज़्यादा फोकस किया। लेकिन फिर बाद में उन्होंने रागों पे, रागदारी पे भी उन्होंने सिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके, बहुत महान बात है मैं जो यहाँ बताना चाहूँगी, कि जब मेरी स्कॉलरशिप खत्म हुई और मुझे, मेरे पास ऐसी कुछ परिस्थितियाँ थी कि हम कुछ उनको दे नहीं सकते थे, तो मैंने जाना बंद कर दिया। तो वो रोज शाम को घूमने के लिए जाते थे, पूरे शहर की प्रदक्षिणा लगाते थे, जैसे वॉक के लिए निकले, ओ तो घूमते घामते हमारे घर अचानक आ गए, और आए, और फिर मम्मी ने बिठाया। उस समय मेरे पापा गुजर गए थे, तो हमारी थोड़ी परिस्थिति ठीक नहीं थी, और बिठाया उन्होंने और मम्मी ने, और फिर उन्होंने पूछा कि अरे, मतलब मेरी माँ को नाम से बुलाते थे कि अरे कमल, तुमने इसको भेजना क्यों बंद कर दिया? तो उन्होंने कहा, मम्मी ने, कि भाई हम अब आपको
कुछ दे नहीं सकते हैं दक्षिणा, तो इस जी वजह से उसका मैंने आना बंद कर दिया। तो उन्होंने ओहो बहुत डांटा मम्मी को, बोला मैंने तुमसे एक भी पैसा नहीं मांगा है, मुझे नहीं चाहिए पैसा, तुम इसको कल से भेज रही हो बस, मुझे और कुछ मैं ओहो, इतने बोलने के लिए क्या आई बात हूँ। और उसके बाद जो स्कॉलरशिप का जो था वो उन्हीं के नाम का था, बट उसके बाद मैंने कभी उनको कोई पैसे नहीं दिए, और उन्होंने बहुत मन से प्यार से अपनेपन से मुझे सिखाया। वाह वाह वाह। उस जमाने में वो पैसे का बात सब बहुत, मतलब उन उन उनके उस जमाने के जो गुरु थे उनके लिए पैसे उतना मायने नहीं रखता था, अच्छा शिष्य को तैयार करना। और वो भी तब जब उनकी खुद की फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं थी, जी वो भी ऐसे में, क्योंकि कम में शांति थी, जी कम में प्यार, मतलब गाने से, म्यूजिक से प्यार था, यस यस करेक्ट करेक्ट। शायद जमाना वैसा था। अभी हाँ प्रलोभन जी इतने हो गए कि उनसे बच जी पाना मुश्किल है। मुश्किल है, मुश्किल है। मेटीरियलिस्टिक जो हम लोगों को चाहिए वो उस जमाने में बहुत कम था, और डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत कम थे उस टाइम पे। आज के जमाने के जैसे इतना डिस्ट्रैक्शंस नहीं था। इसी वजह से वो भी करेक्ट है आपने जैसे। मैं इससे पहले आगे जाऊं, मैं और एक बात आपसे थोड़ा जानना चाहता हूं, जो है आपके मैटरनल ग्रैंडफादर बाला भाऊ उमडेकर जी, उनके बारे में थोड़ा मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने काफी कुछ बंदिशें लिखी है और काफी कुछ मैंने उनके बारे में, मैंने तो ज्यादा नहीं सुना है, लेकिन उनका बंदिश के बारे में थोड़ा बहुत मैंने, मुझे जानकारी है। गलत जानकारी थी वो, आपकी वजह से थोड़ा ठीक हुए है वो। तो आपसे ये पूछना चाहता हूँ, थोड़ा उनके बारे में बताइए, उनका जो बुक है जो बंदिश की, उनका कैसा है, उनका बंदिश है थोड़ा उसके बारे में आप अगर बताएंगे। नाना जी संस्कृत के बहुत प्रकांड विद्वान थे, ओ संगीतज्ञ तो थे ही लेकिन जी बहुत प्रकांड विद्वान थे, जी और उन्होंने संस्कृत ग्रंथों से बहुत कुछ लेके और उसके ऊपर बहुत कुछ काम किया है जो मुझे भी समझ में नहीं आया है, अभी तक नहीं आया है मुझे समझ में। ओहो और उन्होंने सांगीतिक रूप से उन्होंने कर्नाटक रागों का बहुत अध्ययन किया, और कर्नाटक रागों में मतलब जनरंजनी है, काम्बोजी है, गोपी काम्बोजी है, चक्रधर है, इस तरह सरस्वती है, इस तरह के जो राग हैं उनको उन्होंने बंदिशें हमारे लिए बनाई। शायद ये उस जमाने में पहली बार ही ऐसा हुआ था कि किसी ने कर्नाटक रागों में हिंदुस्तानी बंदिशें बनाई। वाह बाद में वो बंदिशें राग सुमन माला के नाम से वो पुस्तक प्रकाशित भी हुई थी, अभी फिलहाल आउट ऑफ प्रिंट है, लेकिन अभी मामा जी और वो उनकी बेटियां वो काम कर रही हैं, तो होपफुली वो एक और एडिशन निकलेगा आगे आने वाले सालों में। तो उसमें मतलब, और उन्होंने रागों की गायकी भी लिख के रखी है, जैसे एक राजा भैया पूछपाल, पंडित राजा भैया पूछपाले जी का एक किताब है जिसमें उन्होंने रागों की गायकी दी है, वैसे ही इन्होंने भी रागों की गायकी बहुत सारे रागों की भातखंड क्रमिक पुस्तक के इसमें दी हुई है। तो ओ उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है, वो ग्रंथ समझ पाना भी मुश्किल है। जी और उनकी बंदिशें जैसे चक्रधर की बंदिशें जो हैं वो अपनी पंडित विदुषी गंगूबाई जी ने भी वो चक्रधर की बंदिशें जो गाई हैं वो उन्हीं की बंदिश है ओ जी। और सरस्वती की बंदिश तो आप जानते ही हैं, जाके मेरे जी भाग, जो काफी समय तक कर्नाटक के संगीतज्ञ उसको रूपक में गाते रहे, जी शायद उनको रचनाकार का नाम नहीं पता होगा, बट वो जी मेरे नाना जी की है, और ओरिजिनली वो तीन ताल में है बंदिश ओ जी। वाह वाह जी। ये मैंने आपकी एक YouTube के रिकॉर्डिंग में, मेरे ख्याल से आपने, या Facebook लाइव में कभी आपने ये बात आपने छेड़ी थी कि जी 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 वो सरस्वती का बंदिश के बारे में। और एक बात बताना, सॉरी उसी बारे जी में एक और एक बात बताना चाहूंगी, उन्होंने राग सागर बनाए हैं, और राग सागर राग माला जिसको हम बोलते हैं, जी तो राग जी माला जो बनाई है वो बहुत ही सोच समझ के, उसमें काव्य भी बहुत सुंदर है, और तकरीबन तकरीबन एक ही समय के रागों को लेके बनाया है। वाह ऐसा नहीं कि एक सुबह का, एक शाम का, एक रात का, ऐसा नहीं है। उसमें हाँ बहुत ही मतलब करीब करीब के, जैसे शाम का अगर है तो हाँ शाम के जो राग है, पूरब के जन्म दिए,
मनु कशरी पावत है मन तुम ध्यान धरो, सरस्वती ओहो पुनी आवत है, इस तरह के है। या काहे तोड़ी प्रीत मालनिया, मैं थोड़ा गा के बताऊं। जी 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 जरूर जरूर, ओ प्लेजर। मैं तानपुरा ऑन कर लेती हूँ, एक सेकेंड। काहे तोड़ी प्रीत मालनिया, काहे तोड़ी प्रीत मालनिया, विभसा भई प्रीत तिहारी, तुम हो चतुर सुघर अलबेलरिया, धन 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 सुहागनी हाँ मालनिया, काहे तोड़ी प्रीत क्या बात। मालनिया। या एक जैसे और एक बनाया, खम खम्बायत की पनिहारी, कारण चल धरन आई, माथे सौभाग्य तिलक नारायणी कहाई, खम्बायत की पनिहारी, वाह श्याम से जब मिलन आई, श्याम से जब मिलन आई, दर्शन का मोद पाई, ललत हाँ जिया बाहर खड़ी, मनहर छवि पाई, हाँ खम्बायत की पनिहारी। तो इस हाँ जो बहुत ही सुंदर काव्य के साथ में बनाया हुआ है, और एक जी तकरीबन एक ही समय के रागों को लेकर ऐसे कई रचनाएं की हैं, कई, और उन्होंने जी स्वर सागर भी बनाया है वाह जिसमें स्वर और शब्द एक ही होते हैं, इस तरह का भी बनाया है उन्होंने। वाह वाह। तो उन्होंने नहीं काफी ये सब काव्य, बहुत जी जी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो हम जैसे कलाकार लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं म्यूजिक के, उनका जो काम है वो हम लोगों को पता चले। जैसे जितने जल्दी हो सकता है उतने जल्दी उसका अगर जी प्रिंट आ जाएगा तो संगीत उम्मीद के है। जो या उनको सब संगीत की जो विद्यार्थी उनके लिए बहुत बहुत मायने रखता है ये सब चीजें। तो इससे आगे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप इसके साथ पल्लवी जो कर्नाटिक ट्रेडिशन में होती है, पल्लवी बोलते हैं हम लोग उसमें, पल्लवी सिंगिंग, पल्लवी का जो रिसाइटेशन होता है उसका आपने स्टडी किया, गजल स्टडी किया आपने, टप्पा तो मतलब वो तो आप है ही माहिर उसमें, ठुमरी का आपने पूर्णिमा चौधरी जी के पास आपकी ट्रेनिंग हुई, ये सब कैसे ये सब आपको सीखने का मन हुआ या आपको कुछ प्रेरणा मिली, कैसे ये सब हुआ, थोड़ा आप बताएंगे तो अच्छा रहेगा। जी, तो मैं सबसे पहले ठुमरी लेती हूँ। जी ऐसा है कि ग्वालियर में बहुत ठुमरी का अंग नहीं है, जी तो मुझे ऐसा लगा पूर्णिमा जी की गायकी सुन के कि शायद उनके तरह की ठुमरी मैं गा सकूंगी। मैं कुछ समय उनके पास गई सीखने की कोशिश, सीखने के जो भी सीखा उन्होंने बहुत प्यार से सिखाया मुझे। मैं बहुत भाग्यवान हूँ कि मुझे गुरु बहुत अच्छे मिले सारे, बहुत प्यार जी से सिखाने वाले, तो बहुत अफेक्शनेट थी, बहुत प्यार से सिखाया। लेकिन 2 ही साल मैं सीख पाई, उसके बाद उनका निधन हो गया दुर्भाग्य से, फिर वो बात सिलसिले सिलसिला हुआ नहीं आगे। जहाँ तक गज़ल की बात है, मैं आकाशवाणी में थी और हमारे यहाँ बहुत अच्छे, मतलब खां साहब अहमद जान, खां साहब थिरकवा के शायद नवासे, वो थे हमारे यहाँ। वो बहुत अच्छे अच्छा तबला प्लेयर थे, लेकिन उनको कुछ प्रॉब्लम थी हाथ में, तो फिर वो तबला छोड़ के वो गजल, बहुत अच्छे कंपोजर भी थे वो, तो वो ओ गजल गाते थे और हम
मुझे सिखाने की कोशिश करते थे। फिर मुझे, मैंने तो कभी जिंदगी में गजल गाना तो गया दूर, सुनने को भी हमारे यहाँ मना था कि फिल्मी गाने जी सुनना भी नहीं है, गजल सुनना भी नहीं। बट मुझे जी जी लगा कि अगर जो मुझे गाना है तो मुझे सीखना तो चाहिए। जी तो मतलब मुझे ऐसा सिर्फ सुन सुन के गाने वालों में से मैं नहीं हूँ, मैं शायद नहीं ले जी पाती हूँ। तो फिर जी मैंने उनसे बाकायदा, फिर मैंने उनसे तालीम ली। और फिर एक जंक्शन ऐसा आया जो मुझे अचानक गजल के बहुत कॉन्सर्ट्स मिलने लग गए, तो वो ओ मेरे लिए डिसाइडिंग, हाँ मतलब इतना वो पॉपुलर होने लगा कि मुझे गजल के कॉन्सर्ट आने लगे बहुत। फिर वहां पे मुझे डिसाइड करना था कि मैं गजल के, ऑफ कोर्स क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी, जी उसका मार्केट बहुत ज्यादा था। तो फिर ऐसे समय में मैंने तय किया कि नहीं, मैं क्लासिकल ही करूंगी। जी तो जी, तो इस तरीके से मैंने सीखा, बट क्योंकि हर चीज रियाज मांगती है, मेरे पास उतनी एनर्जी नहीं थी, टाइम नहीं था कि मैं हर चीज के लिए मैं अलग से रियाज कर सकूं। तो एक जगह जी पे हमें आके कहीं रुकना पड़ता है, हम सब कुछ नहीं कर सकते। ऑब्वियसली मतलब हमारा डिपार्टमेंटल स्टोर ना बने तो बेटर है। जी, बहुत सही। और कर्नाटिक का पल्लवी का ट्रेनिंग कैसे आपने? हाँ, वो एक्चुअली वो टप्पा सीखने की पहली सीढ़ी थी जो गुरुजी ने ही मुझे पूछ, पहले गुरुजी ने ही मुझे बताया कि पंडित रतन जनकर जी ने कुछ पल्लवी बनाई हुई हैं, तो वो उन्होंने कहा इन पल्लवी को बहुत अच्छे से याद करो और फिर उसको थोड़ा स्पीड अप कर करके गाओ, तो वो गला वैसे घूमना शुरू हुआ। तो टप्पा सिखाने से पहले उन्होंने मुझे उसका रियाज करवाया। जी इसके वजह से आपको उसका उसका भी ट्रेनिंग, मतलब वो एक हाँ आपको हाँ हाँ एंगल जी एंगल मिले। तो ताई, आपका आपका तो मतलब इस टॉपिक में तो बात नहीं हो पा हो होती है आपसे, वो तो होगा ही नहीं, टप्पा के बारे में कि आजकल बहुत कम लोग टप्पा गाते हैं। मतलब इतना डिफिकल्ट जॉनर है वो, क्योंकि आवाज का लगाव एकदम अलग है। जो हम क्लासिकल में लगाते हैं वैसा तो आवाज तो होगा ही नहीं उसमें लगाव। तो बहुत कम लोग है जो मतलब उस पे जो मतलब कंट्रोल है, तो और आप उसमें से एक है। तो आपको ये टप्पा का टप्पे का जो ट्रेनिंग जो बाला साहब से मिली, आई मीन ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियंस, नॉट जस्ट फॉर टप्पा बट फॉर एंटायर मतलब क्लासिकल म्यूजिक के लिए, तो इसके बारे में आप थोड़ा बताइए कि टप्पे के लिए खास आपको क्या क्या मॉडिफिकेशंस, आपका जो गला जो ग्वालियर में ट्रेनिंग हुई थी, करना पड़ा या ना करना पड़ा, जो भी है, तो थोड़ा उसके बारे में अगर आप बताएंगे तो जैसा टप्पा की मैंने ट्रेनिंग। आपको अभी बताया कि जी गला तो मेरा तैयार था जब मैं गुरुजी के पास गई। मतलब तान तो चलती थी, ख्याल अंग से जो ताल जाती है वैसी तान तो चलती थी। और फिर वही तो जो मैंने आपको बताया अभी कि पल्लवी वो उनका फर्स्ट स्टेप था टप्पा सिखाने के लिए जी उसमें। और पल्लवी की जो छोटे छोटे हिस्से होते हैं जी उसमें, जो छोटी छोटी जगह हैं फास्टर, जी उसको बार 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 अगर मैं गमपम अगरे या गमपपम अगरे, ये अगर मैं 10 बार लूंगी तो मेरा गला घूमना ही है, घूमेगा ही। और जी दो मेनली टप्पे में दो सुरों का वो जो जमजमा वाला जो ये होता है जी उसका रियाज करने के लिए एक अलग तरह के पलटे उन्होंने कुछ मेरे से करवाए, जिससे वो और बंदिश का रियाज खूब, मतलब वैसे भी ग्वालियर में सब जो ट्रेडिशनल घराने हैं उसमें बंदिश का बहुत महत्व है, जी तो बंदिश का रियाज तो करना ही था। तो जी बंदिश का रियाज टप्पे की एक एक बंदिश को कम से कम 50-50 बार आपको गाना है, सिर्फ बंदिश कुछ और नहीं। जी तो वो गला तैयार होता है। और फिर वैसे ही है कि जब बंदिश रच बस जाएगी तो गायकी आनी ही है। जी सही है। और एक और चीज पे वो टोकते थे मुझे, जो धीरे धीरे मैंने उसके ऊपर काबू पाया, कि हम लोग ख्याल में लंबी ताने लेते हैं, वो मैं टप्पे में भी लंबी ताने लेती थी। हाँ उन्होंने कहा ऐसा नहीं करना है, जी हमें ख्याल अंग से बढ़त तो करनी लेकिन टप्पे के एलिमेंट्स लेके, तानों के रूप में छोटे छोटे ताने लेके, छोटे छोटे गुच्छे लेके उस जी सुर को दिखाना है, उस फ्रेज को दिखाना है। जी
नॉट दैट कि मैं लंबी लंबी, मेरा गला बहुत तैयार है इसलिए मैं खूब लंबी लंबी ताने मार दूं राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, वो जी नहीं करना है, उसकी बढ़त करनी है और जी वो बढ़त इम्पॉर्टेंट है। तो है कुछ बहुत अच्छा गाने वाले लोग हैं, एक तो हमारी कल्पना ताई हैं, वो बहुत जी अच्छा टप्पा गाती हैं, और जी मालिनी जी से तो खैर हाँ तो जी सबसे ऊपर हैं वो, तो खैर जी बहुत जी जी हम सबकी बहुत भाग्य है कि हमने उनका गाना सुना है। जी तो कल्पना जी जो हैं वो गाती हैं, जी और भी लोग होंगे जो गाते हैं, बट जी जी टप्पा का जो भाव है वो एलिमेंट वो रखते हुए उस भाव को भी प्रकट करना, क्योंकि टप्पा जब मैंने सीखा तो टप्पा जिस तरीके से आया तो उस मराठी लोगों तक आया, मराठी लोगों को उस भाषा का ज्ञान नहीं था, और ज्ञान ना होने से क्या था कि वो कुछ शब्दों का अपभ्रंश भी हो गया। जी तो ऐसा भी हुआ कि कुछ टप्पों का अर्थ समझ ही नहीं आता कि क्या बोला गया है। तो ऐसी स्थिति में मैं कोशिश ये करती हूँ कि उस कुछ गिने चुने, मतलब कम से कम 40-45 टप्पे मुझे सिखाए हैं, जी तो उनमें से मैं कुछ चुनिंदा टप्पे ही गाती हूँ बार बार। कारण जी सिर्फ इतना ही है कि मुझे उसका काव्य समझ में खुद नहीं आएगा तो मैं दूसरे को क्या दूंगी, करेक्ट, इसलिए मैं वही गाती हूँ जो मैं उसका भाव उसका काव्य समझ सकूँ, तभी मैं वाह ठीक से। हाँ तो मतलब अगर हम काव्य ले रहे हैं तो उसके साथ जस्टिस होनी चाहिए, और अगर ऑब्वियसली नहीं तो फिर हमें काव्य नहीं लेना चाहिए, ट्रू, लिरिक्स नहीं सिर्फ लेना आकार चाहिए। ही कर सकते हैं। हाँ मतलब जी जी वो खूंटी पे टंगे हुए कपड़ों की तरह, जैसे विंटर के कपड़े हैं ना बॉक्स में रखे जी हुए, जी सारे एक बार जी निकालते हैं, वैसे जी हमारा सम आने के टाइम पे हम सिर्फ शब्द लेंगे तो हमारी बंदिश का करेक्ट स्ट्रक्चर का क्या होगा। करेक्ट, वेरी वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और बाला साहेब का मैंने भी काफी टप्पे सुना है, और मैं ये भी एक आपसे शेयर करना चाहूंगा कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे एक बार उनको बैंगलोर में पीछे तानपुरा के साथ देने का एक मौका मिला था। काफी साल मैं भी, मैं आई थिंक आई वॉज अराउंड 18 और 19, 20 साल के था मैं लड़का, तो अच्छा उनके पीछे गाने का, तानपुरा लेके गाने का भी एक मौका मिला था। तो उनका वो जो अष्टपदी का भी वो गाते थे, माधवे मुकुंद भैरवी का क्या गाए है वो सुन के मैं तो मतलब आज भी वो कान में इतना, और क्या खुला आवाज था उनका, ऊपर हाँ, ऐसे गाते थे। मेरे ख्याल से जो पुराने लोग थे वो खुला जी ही गाते थे, जी जी अभी माइक्रोफोन फ्रेंडली गाना हो गया है, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू ऊपर की पट्टी में खुले आवाज में। मतलब जी ऐसा मेरे साथ भी हुआ है कि अगर जी खुला खुली आवाज ना लगाओ तो मार भी पड़ती थी, ओ मतलब हाँ। और एक और चीज थी कि जब हम गाते थे तो हमारे टाइम पे तो ये था नहीं, इलेक्ट्रॉनिक तबला तानपुरा कुछ भी, तो एक हाथ से आपको तानपुरा बजाना है, दूसरे हाथ से ताल दे के बंदिश गानी है। अगर यस वो ताल का हाथ रुक गया तो हाथ पे जोर से पड़ता था, जी तो हाँ तो उससे आपके अंदर ताल आता है ना, बॉडी में वो ताल चलता है, तबले वाला तो बाहर से बजा रहा है लेकिन वो अंदर साथ में चल रहा है, जी 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 तो वो खुले मत गले का जो था वो गुरु जी का भी था, और मेरे ख्याल से सारे ही पुराने लोग बहुत खुल के गाते थे जी बड़ा। जी जी वेरी ट्रू। दीदी मैं कुछ कलाकार लोग आज हमें आपको सुन रहे हैं तो उनका मैं आई वॉन्ट टू एक्नोलेज देम। एक तो मेरे पिताजी आपको वेलकम कह रहे हैं जी, बहुत और बहुत अर्चना धन्यवाद। जी, अर्चना ताई कानेरे वो भी ये प्रोग्राम देख रही नमस्कार है भाई। जी, और विराज अमर जी ओ विराज जी, देख रही है नमस्कार। जी। एक बहुत ही मेरे भी बहुत अच्छे मित्र है, आप भी जानते होंगे इनको, नैनेश मेहता करके, बहुत अच्छे सुनकार है जी संगीत जी के, जी तो वो भी हमारे नमस्कार। साथ। सुचिता जी यूएसए से ज्वाइन हुई है, हाँ सुचिता राव नमस्ते जी। जी। काफी लोग, कौशिक ऐतार जो यंग कलाकार है जी जी बैंगलोर बहुत से, अच्छे गाते हैं। हाँ जी बहुत जी अच्छा गाते हैं जी। लीलाधर जो हारमोनियम बजाते हैं पूना से, वो है काफी लोग चंद्रमा जो, चंद्रिमा जी है हमारे साथ, चंद्रिमा जी 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 और काफी लोग, कल्पना दक्षी ताई सरोद जी, कल्पना सरोद ताई जी, दक्षी सरोद प्लेयर है शायद, वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया। यस 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 जी जी कल्पना नमस्ते ताई भी कल्पना है, ताई। जी, नमस्ते कल्पना ताई। और पंडित सुहास व्यास जी भी है हमारे साथ।
नमस्कार काका। तो काफी लोग आपको सुन रहे हैं आज। जी अभी थोड़ा आपका जो तालीम है इसके बारे में हम लोगों ने बात किया। अभी थोड़ा जो कुछ चीजें हैं जो हमारा म्यूजिक से रिलेटेड है उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। यूनिवर्सिटी एजुकेशन, क्योंकि हम एक सुनते हम ये एक पहले से ही एक ये है कि यूनिवर्सिटी से अच्छे कलाकार नहीं बनते हैं। जो कलाकार है वो एक गुरु के पास जाके गुरु से आमने सामने बैठ के सीख के तो ही वो कलाकार, जितना भी आप ले लीजिए, जितने कलाकार पहले भी हुए हैं, अभी जी है, आगे भी होंगे, सब ऐसे। तो इसमें आपको क्यों, व्हाट इज द रीजन यू थिंक एंड व्हाट चेंजेस कैन बी मेड सो दैट यूनिवर्सिटी ऑल्सो यू नो गिव्स गुड सेट ऑफ आर्टिस्ट या एटलीस्ट थिंकर्स अबाउट म्यूजिक। तो यूनिवर्सिटी का जो म्यूजिक कोर्सेज है उसको चलाने का मोटो क्या है, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा। जी क्या वो कलाकार पैदा करना चाहते हैं, या कला वो सिर्फ नॉर्मल शिक्षक पैदा करना चाहते हैं, या वो सिर्फ कांसेन पैदा करना चाहते हैं। और अगर ऐसा है तो उसको उन कैटेगरीज में बांट के उस हिसाब से सिलेबस बनाया जाना चाहिए। मोस्टली मैंने देखा कि मैंने खुद यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, और मैं दूसरे यूनिवर्सिटीज की भी जो देखती हूँ उसमें मैं देखती हूँ कि 90% बच्चे अच्छा गाते हैं और कलाकार बनने की चाह में आते हैं। वो अलग बात है कि उनको वहाँ पे वो ट्रेनिंग शायद नहीं मिलती जो एक कलाकार बनने के लिए एक अलग से गुरु के पास सीख के मिलती है। और अगर वो कलाकार बनना चाहते हैं तो क्या उनके हिसाब से सिलेबस बनाया जाना चाहिए या नहीं, ये सोचने की बात है कि एक ही सेमेस्टर में 15 राग उनका रख दिए जाए, अगर बरवा और देसी तोड़ी और पता नहीं क्या 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 क्या, यमनी बिलावल और शुक्ल बिलावल, तो हमारी जिंदगियां लग जाती हैं 10 राग अच्छे से गाने में। जी एक सेमेस्टर में 15 राग वो बच्चा जिसको ठीक से यमन तक गाना नहीं आता वो कैसे करेगा? तो नॉर्म ये क्यों है कि 15 राग पूरे करने, उसको नॉर्म ये रखिए कि 15 रागों का सिर्फ उसको जनरल नॉलेज रहे और एक राग वो अच्छे से प्रेजेंट कर ले। अगर वो अपने 2 साल या 3 साल के कोर्स में अगर 4 या 5 राग अच्छे से तैयार करता है जिसको एक परफॉर्मर लेवल पे गा सकता है, तो फिर उससे उम्मीद की जा सकती है कि वो एक अच्छा परफॉर्मर आगे आके बनेगा। जी और मैं टीचर्स को भी दोष नहीं दूंगी ज्यादा, क्योंकि उनके ऊपर ये प्रेशर होता है कि सिलेबस कंप्लीट करना है। तो ये कहीं बेसिक थिंकिंग में गड़बड़ है कि उनके ऊपर उनको करना है 15 राग तैयार करने हैं, तो वो फटाफट फटाफट सामने वाले को समझ ही नहीं आ रहा है कि प्रॉब्लम क्या है, बरवा क्या है या क्या है, कैसे उसमें डिफ्रेंशिएट करे, उसके आसपास के रागों को कैसे समझे, तब तो वो बरवा गा पाएगा। वो भी कंप्लीशन के चक्कर में, और इतना बड़े इसमें कम से कम 8-10 बच्चे हैं, उसमें 1 घंटा उनको मिलता है। अगर 45 मिनट्स का अगर एक क्लास है तो उसमें उनको विस्तार सिखाना है, बंदिश सिखाना है, ताने सिखानी है, मतलब तबले वाले के साथ रह, तो ये थोड़ा सा रश्ड है ये मामला। इसके लिए जी बेसिक तरीके से ये सोचना चाहिए कि, और अगर कैटेगरी ऐसी कर दी जाए कि उनको सिर्फ नॉलेज लेना है, उनको PhD करना है आगे जाके, और उनको कहीं टीचिंग जॉब में लग जाना है, तो बात जी अलग वहीं खत्म हो जाती है। आप 15 नहीं 30 राग रखिए एक सेमेस्टर में, ठीक है ना? सही तो मुझे लगता है कि हम हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स और म्यूजिक के सिलेबस को एक नहीं रख सकते, उसका करेक्ट दृष्टिकोण अलग होना चाहिए। जी और इसलिए जब सिलेबस बनाया जाता है तो मुझे लगता है कि उसमें परफॉर्मर्स हो उस कमेटी में, तो शायद कुछ आगे उम्मीद की जा सकती है। बहुत सही कहा, ये बहुत मेरा बहुत सही। विचार है, हो सकता है बहुत लोगों को ये पसंद ना आए, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा होगा तो शायद कुछ उम्मीद हो सकती है। बहुत बहुत सही कहा, बहुत सही है। क्योंकि हमारा जो विचार है वो सही या गलत से कि इट इज अ डिफरेंट ओपिनियन। सही और गलत ये कौन डिसाइड करेगा, ये तो पता नहीं मुझे। ये मैं जी ऑलवेज आई ऑलवेज गेट कंफ्यूज्ड इन दिस। हैविंग अ डिफरेंट ओपिनियन
is better than having a it is better than being judgmental. Right. जजमेंटल होने से कुछ फायदा नहीं है, एक अलग अलग ओपिनियन हो सकता है. और ये सत्य है कि कोई भी यूनिवर्सिटी से अच्छा कलाकार पैदा नहीं हुआ है आज तक. दिस इज अ प्योर 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 ट्रूथ, इट्स अ फैक्ट. वो ये कोई भी नकार नहीं सकता. यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल, वाइस चेयरमैन, कोई भी है रहने दो, नोबडी कैन. माहौल ही वो नहीं है. हाँ, अनफॉर्चुनेटली माहौल ही नहीं है. और एक बात है कि कुछ जगह ऐसा भी देखा जाता है कि प्रोफेसर्स अच्छे स्टूडेंट्स को ग्रैब करते हैं, घर आओ और सीखो. क्लास में ठीक से नहीं सिखाएंगे और कुछ अच्छे बच्चों को घर पे सिखाएंगे. जिस बच्चे के पास में पैसा नहीं है वो क्या करेगा? वो यूनिवर्सिटी इसीलिए है ना, आपको यूनिवर्सिटी पैसा इसीलिए दे रही है कि आप क्लास में बच्चे की कमजोरियों को देखते हुए उसको ठीक करिए. जी, तो माहौल क्या है फिर? और जो बच्चा अच्छा गाता है उसको बहुत मोटिवेट किया जाता है, जो वीक है उसको और दबाया जाएगा. तो कैसे होगा, कैसे होगा? ये माहौल जो है टोटल एक पॉजिटिव माहौल होना चाहिए कि जो वीक भी है उसको एक्स्ट्रा क्लासेस देके आप सिखाओ. और ये हमारे टाइम पे हमने देखा है, ये कम से कम मुंबई यूनिवर्सिटी के म्यूजिक डिपार्टमेंट में ऐसा होता था कि जो थोड़े वीक बच्चे हैं उनको हम अलग से क्लासेस देते थे. मैं ही नहीं और भी हमारे जो कलीग्स थे अच्छे लोग थे, देते थे और उनको कोशिश करते थे कुछ सिखाया जाए. जी, तो कुछ ना कुछ टीचर्स अच्छे हैं, मैं सबको बुरा नहीं बोल सकती, कुछ टीचर्स वाकई अच्छे हैं, लेकिन वो मजबूर हैं. वो सही, सिलेबस कंप्लीट करने में मजबूर है, क्या करें. दूसरा एक चीज मुझे आपसे बात करनी है, वो है घराना. जो घराना जो है आज के दिन में, जो आजकल जो चल रहा है उसमें घराना का रिलेवेंस आपको क्या लगता है? मैं कुछ बोलने जा रही हूँ इससे बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, मेरा अपना विचार है. जी, अपना विचार है बस. जी, मेरी तालीम बहुत ऑर्थोडॉक्स और बहुत ट्रेडिशनल माहौल में हुई है, अच्छे गुरुओं से मैंने सीखा है. और मुझे ऐसा लगता है कि पहले हमारे पास इतने अवेलेबिलिटी नहीं थी सुनने की. घर में दो चार कैसेट्स आ जाती थी, वो हम किसी और का सुन लेते थे. आपने अभी यूट्यूब पे दसियों लोग हैं सुनने के लिए, ठीक है? तो ऐसी सिचुएशन में घराने की जो बाउंड्रीज हैं वो डाइल्यूट हो गई हैं. और मुझे एक बात और लगती है, वो डाइल्यूट हुई है, अच्छी है या बुरी है, मैं इसके बारे में बहुत कठोर कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ घराने का गाते रहना, आज से 20 साल पहले भी मैं वैसा ही घराने का गाती थी और आज भी मैं उस घराने के नाम पे वैसा ही गा रही हूँ और 20 साल बाद भी वैसे ही गाऊंगी, तो मेरे अंदर क्रिएटिव आर्टिस्ट की ग्रोथ कहाँ हुई है? तो हम घराने से सीखें जरूर, उसकी तालीम जरूर लेनी चाहिए, लेकिन एक टाइम के बाद में सोचना भी चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं. और अगर आप कन्विंसिंगली आप उसको प्रस्तुत करते हो तो लोग करेंगे. हम देखिए, जितने हमारे दिग्गज पुराने लेजेंड्स रहे हैं उन्होंने बहुत कुछ फर्क किया है जो ट्रेडिशनली उन्होंने सीखा उससे. जी. किसी ने जयपुर का लिया, किसी ने किराना का लिया, किसी ने और कुछ किया, तो कुछ नया किया ना, थॉट किया ना, सोचा ना. और ये सोचना ही, चाहे कोई भी फील्ड हो, चाहे साइंस हो या म्यूजिक हो, सोचना सबसे टफ काम है. और सोचने के बाद उसको एग्जीक्यूट करना और फिर ऑडियंस उसको एक्सेप्ट करे, ये और टफ काम है. तो इस कठिन राह पर चलने के बजाय अगर लोग सिर्फ वही करते रहे जिसमें बहुत यूज नहीं करना है, आपको सोचना नहीं है, नया क्या चक्कर में नहीं पड़ना है जी. तो फिर रास्ता आसान हो जाता है. और रास्ता जब आसान होता है तो वो कॉन्फिडेंस भी होता है, क्योंकि वही 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 आप जो 20 साल पहले जो मैं गाती थी वैसा का वैसा मैं अगर अभी गा रही हूँ तो कॉन्फिडेंस तो आएगा ही, और वो एक फॉर्मेट उनको मिलता रहेगा तो लोग भी प्रसन्न रहेंगे. लेकिन हमें ये भी थोड़ा सा देखना चाहिए कि हमारे अंदर ग्रोथ हुई है कि नहीं. तो घराने का दायरा रखते हुए
हमें और घरानों के बारे में सोच के और हमारे गाने में क्या चीज़ सूट कर रही है, हमारे टेम्परामेंट को, हमारे गले को, हमारे दिल को क्या अच्छा लग रहा है, ये भी सोचा जाना ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप कुछ भी गाएं, किसी भी घराने का गाते हैं, अगर उसमें रूह नहीं है, उसमें मेलोडी नहीं है, जी तो हम सिर्फ टेक्निकल गाते रहेंगे। तो ये सुर का, सुर के लिए प्यार, शब्दों के लिए प्यार, राग की आत्मा क्या कहती है, एक फॉर्मेट मेरा है, इसलिए मैं दरबारी भी वैसे ही गाऊंगी जैसा मैं हमीर गाती हूँ, तो शायद ये राग के साथ अन्याय हो जाएगा। बहुत सही मेरा कहा। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि मैं तो एक फॉर्मेट में गा रही हूँ, मुझे सोचने की जरूरत ही नहीं राग के टेम्परामेंट के हिसाब से। जी लेकिन राग की आत्मा कहीं तो आहत होगी ना, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। बहुत तो बहुत सही कहा आपने। ये सोचा जाना चाहिए कि जो किराना के राग हैं, जो एक, अगर मैं कहूँ कि मैं, अगर मैं तोड़ी में एक बंदिश लेती हूँ जिसका, जिसकी सम पंचम पे है, ऐसी है, तो मैं उसके हिसाब से अपना रूपक अलाप के हिसाब से मैं विस्तार करूंगी। लेकिन अगर बाजोरे मंदरेरा में गा रही हूँ और उसको मैं एक एक सुर की बढ़त कर रही हूँ, तो वो किराना की तरह ही जाएगी ना। तो हमें जी बंदिश का ध्यान रखना है, राग के टेम्परामेंट का ध्यान रखना है और फिर उस अंग से जाना है। तो ये मेरे ख्याल से शायद राग के साथ न्याय होगा। तो सिर्फ घराने की चौखट को हमको जिंदा रखना है, इसलिए हम हर राग एक ही फॉर्मेट में गाना चाहिए। ये मेरे विचार से मुझे नहीं सुहाता है, जी मैं गलत जी हो सकती हूँ कुछ लोगों की नज़र में, लेकिन मुझे जी लगता है कि शायद मैं अपने साथ, अपने संगीत के साथ न्याय कर पाऊंगी। जी 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 नहीं, बहुत बहुत सही कहा आपने दीदी। हमारे साथ वासिम भाई जुड़े हैं। मेरे अरे ख्याल लंदन से वासिम भाई अभी लंदन में हैं। में, अरे नमस्ते वसीम भाई। दरबार के लिए वो, मेरे ख्याल से पता नहीं उनका प्रोग्राम हो गया या नहीं। नहीं, बहुत सही कहा, बहुत सही कहा दीदी। मैं इस विषय में मैं आपसे 100% मैं एग्री करता हूँ। क्योंकि एक राग का रूप को हमको पहला जानना चाहिए, बिल्कुल बाद में उसको, क्योंकि जैसे आपने कहा कि हर राग को एक ही में स्ट्रक्चर में गाऊंगी, ऐसा हो ही नहीं सकती है, क्योंकि उस राग से देन वी आर नॉट डूइंग जस्टिस टू दैट राग। बिल्कुल। राग का स्वरूप अब हाँ बिल्कुल, जैसे कुमार जी ने अगर मुल्तानी गाया है तो वो ऊपर उसकी सम है और फिर उसका विस्तार उन्होंने उसके आसपास किया है, जी तार सा के सम के आसपास में, उसको नीचे से नहीं लेके गए हैं वो। करेक्ट लेकिन करेक्ट अगर मैं कोई कवन दे से गए अगर गा रही हूँ तो मैं कर जी सकती हूँ, क्योंकि जी है उसका रूप वैसा है। और फिर हमें थोड़ा सा काव्य का भी ध्यान रखना चाहिए। जी जी बहुत सही कहा आपने। मैं इसी से, आपने एक पॉइंट इसमें बताया आपने कि मेलोडी मेलोडी है और तैयारी, टेक्निकल एस्पेक्ट जो हम बोलते हैं, इसका एक बैलेंसिंग करना कितना इम्पोर्टेंट है था। क्योंकि मैं, हम लोग आजकल देखते हैं कि टेक्निकल एस्पेक्ट पे इतना ध्यान दिया जाता है, सरगम पे, या बिल्कुल क्योंकि क्योंकि मैं ये ऐसा नहीं कर रहा हूँ, वो सिर्फ वो नहीं गाना चाहिए, हम भी गाते हैं, हम भी हाँ सरगम गाते हैं, हम भी तिहाई करते हैं, हम भी अलग अलग तरह से तान लेते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक रूहदारी, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू यू नो क्रिएट मेलोडी। तैयारी आप कर सकते हो कितना भी, एक 10 बार, 100 बार, 1000 बार आप अगर रट रट लिया तो आपको आएगा वो तान, गले में आ जाएगा, लेकिन एक रूहदारी जो हम बोलते हैं उसको क्रिएट करने के लिए इट इट रिक्वायर्स लॉट एब्सोल्युट ऑफ। बिल्कुल। और ये बैलेंस हम लाइफ में भी हाँ तो बैलेंस रखते हैं ना, हमें मीठा पसंद है इसलिए हम नाश्ते में, खाने में, रात के खाने में सब टाइम मीठा तो नहीं खाते बैठेंगे, वेरी ट्रू, वेरी या ट्रू, मेरे बहुत ट्रू मेरे ऊपर पीला रंग बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं 12 महीने पीला रंग पहनूंगी तो कैसा जी लगेगा, जी 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 है ना। जी तो जी आलाप में, तानों में, लयकारी में, सरगम में, बंदिश के कहन में, इन सब में हमें बैलेंस अगर रखना है तो हमें सोचना पड़ेगा, हर राग के लिए सोचना पड़ेगा। मेरा गला चलता है इसलिए मैं शुरू से दरबारी में सट्टे मारने लग जाऊं तो वो जी तो मतलब दरबारी खुद रोने लगेगा। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू तो ये बैलेंस ढूंढने में ही जिंदगी निकल जाती है। बाकी गले तो जी बहुत लोगों के तैयार है, बहुत अच्छा गाते जी हैं, बहुत
कमांड है टेक्निकल एस्पेक्ट के ऊपर, लेकिन जी जी ये टेक्निकल एस्पेक्ट के ऊपर कमांड और उसके बाद में रूहदारी लाना, इस बैलेंस को ढूंढने में ही सारी जिंदगी निकल जाती है। और कितना पोर्शन में गाना, प्रोपोर्शन, सॉरी पोर्शन नहीं, प्रोपोर्शन कितना प्रोपोर्शन, बिल्कुल क्योंकि आपका एब्सोल्युट गला फिरता है करके आप कितना भी मतलब आप 40 मिनट्स अगर एक प्रोग्राम दे रहे हो, एक राग गा रहे हो, उसमें आप 25 मिनट तान नहीं गा सकते, 25 मिनट तान नहीं। या सरगम नहीं, क्योंकि आपका गला तैयार है करके आप नहीं गा सकते, क्योंकि वो एक बहुत उसको एक बैलेंस करना और प्रोपोर्शन को उसको ढूंढना। अब इसमें एक और मैं बात कहूंगी कि जी जी मेरा टप्पा प्रसिद्ध है, इसलिए मुझे सिर्फ कॉन्सर्ट सिर्फ टप्पे के भरोसे पे सक्सेसफुल करना है, या मैं टप्पा नहीं गाऊंगी तो मेरी आइडेंटिटी पे क्वेश्चन लग जाएगा। ये जो इनसिक्योरिटी है, जी अगर मैं सरगम नहीं गाऊंगी, अगर मैं खूब तिहाइयां नहीं लूंगी, अगर मैं बहुत लयकारी नहीं करूंगी, अगर मैं बहुत फास्ट ताने नहीं लूंगी, तो मेरा तो मार्केट गया, क्योंकि लोग तो वही सुनने आए हैं। जी लेकिन ये ताकत लाने के लिए बहुत मेहनत चाहिए। जी वो जैसे कुमार जी थे, कुमार जी जी कभी कभी किसी राग में तान लेते ही नहीं थे, क्योंकि ना तो राग चाह रहा है ना बंदिश चाह रही है, लेकिन करेक्ट करेक्ट इसके करेक्ट लिए बहुत ताकत चाहिए, क्योंकि जी बाकी जी के एलिमेंट्स में वो ताकत चाहिए कि आज मेरा जो सबसे अच्छा चलने वाला एस्पेक्ट है वही मैं नहीं गाऊंगा और फिर भी अच्छा होगा। वाह वाह, बहुत सही कहा। और इसके बारे में मेरे गुरुजी पंडित विनायक तुर्वी जी एक बात कभी भी बोलते हैं, आज भी बोलते हैं वो, कि अगर आप आपके आलापचारी से अगर आप लोगों को पकड़ के रख सकते हैं तो आप जी बहुत अच्छे कलाकार हैं, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि आलाप से अगर आप इफ यू कैन होल्ड ऑन टू योर ऑडियंस, बिल्कुल, क्योंकि ताने तो वो तो लुभाती है, दैट इज 100% योर। वो एक डेजर्ट डिश है, उसको जी आप मेन कोर्स नहीं बना सकते। वाह वाह, बहुत बहुत सही कहा, बहुत सही कहा आपने। इसी विचार में दीदी मैं आपसे और एक पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप भी काफी स्ट्रगल करके आप इस मुकाम पे पहुंची है, काफी आपके स्ट्रगल के बारे में मैं जानता हूं। एक कलाकार के लिए जो आपने स्ट्रगल किया है आपका एक करियर बनाने के लिए, या आपका संगीत जो है इसको एक एक रूप दिया है आपने कि ये शाश्वती जी का गाना है, इसमें आपको कितनी कठिनाई उठानी पड़ी? क्योंकि ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि लोग, कुछ लोग ये समझते हैं कि हम कलाकार मतलब एकदम अच्छे गाड़ी में घूमने वाले, अच्छे स्टार होटल में रहने वाले, फ्लाइट में घूमने वाले, सिर्फ यही एक मंशा कुछ लोगों को है, लेकिन जो तकलीफ हम लोग झेल के ये मुकाम तक हम लोग पहुंचे हैं, इसके बारे में बात होना जरूरी है, क्योंकि आगे वाली जो पीढ़ी है उनको ये समझना जरूरी है कि तकलीफ लेके ही हम लोग आगे आए, कोई भी ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसके अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। हाँ, मेरी सॉरी कुछ सॉरी, मैं एक बीच में टोकता हूँ, सॉरी, कि जी क्योंकि हम, मैं या आप, हम कोई प्रिविलेज फैमिली से नहीं आए हैं, नहीं, पिताजी, माताजी, चाचा जी, भतीजा, दादाजी, ऐसे कोई हमारा बड़े पद्म भूषण या पद्म विभूषण से पुरस्कृत नहीं है हमारे नहीं। घर में। तो इस जो स्थिति में जो तकलीफ आपने झेली है, उसके बारे में थोड़ा आप प्रकाश डालिए, लोगों को पता होना चाहिए। अगर ये बात आप मुझे कुछ साल पहले पूछते तो मैं आपको बोलती कि आपने मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया, लेकिन अब वो दुखती रग जो है न्यूट्रल हो गई। जी तो अब वो रग दुख नहीं रही मेरी, जी ठीक है। तो जी ये है कि कुछ लोग बहुत ही किस्मत के साथ आते हैं, जी उनको बहुत अच्छे मौके मिलते हैं, उनके गॉडफादर्स होते हैं, उनका नाम लेने वाले बड़े बड़े लोग होते हैं जो उनको जी रिकमेंड करते हैं। जी लेकिन अगर वैसा नहीं है तो राह बहुत कठिन हो जाती है, आप कितना भी अच्छा गाते हो। ऊपर से आपको अपॉर्चुनिटीज मिल गई, बहुत किस्मत की बात है। मैं कहती हूँ कि बहुत अच्छे लोग भी हैं दुनिया में, जी लेकिन ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी ऑर्गेनाइजर्स हैं जी जो आप तैयार नहीं है, जो लोग सुन रहे हैं कि आप अगर 10 जगह लेटर भेजेंगे या 10 जगह सीडीज भेजेंगे, एक का भी जवाब नहीं आएगा।
जी बी रेडी फॉर दैट, यस नहीं आएगा। और गलती से अगर उन्होंने फोन उठा लिया, पहले तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, अगर उन्होंने गलती से फोन उठा लिया तो आप समझ लीजिए कि आपकी मतलब आज पूजा होने वाली है, क्योंकि वो अपने आप को भगवान मानते हैं जी और कलाकार को इतना तुच्छ मानते हैं कि मैं कहती हूँ कि चलिए आप जिसको प्रोग्राम देना है दीजिए, आपका प्रेरोगेटिव है, आपकी इच्छा है, आप किसको देना है, किसी को 10 बार बुलाइए और किसी को 1 बार भी मत बुलाइए, लेकिन सामने वाले से इज्जत से बात तो करिए, वाह उसके आर्ट का तो रिस्पेक्ट करिए। आप एक करेक्ट जवाब लिख दीजिए कि आगे के 5 साल हमारे पास कोई जगह नहीं है, उसके जी बाद में हम आपसे, आप कम से कम प्यार से बात तो करिए। जी और फिर ये कहा जाता है, शिकायत की जाती है कि हमारे पास में पता नहीं आगे क्या होगा, तो जी आप माहौल पॉजिटिव तो बनाइए आने वाली पीढ़ी के लिए, जी उनको उम्मीद तो दीजिए, जब उम्मीद देंगे तो बच्चे करेंगे। जी आप अगर गलत तरीके से उनसे बात करेंगे, उनको उम्मीद छिनती हुई नजर आएगी, उनके गुरु के साथ अगर प्रॉपर व्यवहार नहीं होगा तो उनकी उम्मीद भी टूटेगी। और ये और बात जो कहा जाता है कि कलाकार ने पैसे नहीं मांगने चाहिए, जी क्यों नहीं मांगने चाहिए भाई? आप एक इलेक्ट्रिशियन को एक वायर ठीक करने के लिए बुलाते हैं तो क्या आप पैसे नहीं देते हैं? और फिर करेक्ट कलाकार से ये उम्मीद क्यों कि उसने तो इन्वेस्ट किया है, उसने एनर्जी टाइम पैसा सब इन्वेस्ट किया है यहाँ तक पहुंचने के लिए, पूरा फिर उसके जिंदगी, पूरी जिंदगी, और हाँ उसके सिर्फ पूरी जिंदगी उसने नहीं, उसके पेरेंट्स ने किया है, उसके घर वालों ने किया है, फिर यस उनसे ये उम्मीद क्यों की जाती है कि वो कुछ ना मांगे कुछ ना बोले? क्या उसको जिंदगी नहीं चाहिए? क्या उसकी फैमिली नहीं है? उसको नहीं चलाना है अपने बच्चों को? ऐसे तो ये तो अन्याय है, जी कला के साथ अन्याय है, जी कलाकार सेकेंडरी है, कला के साथ अन्याय है। जी 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 इसको मुझे पूछने का ये भी एक मकसद था, क्योंकि जो आने वाली पीढ़ी है इनको ये समझना चाहिए कि जी यू यू शुड बी रेडी टू फेस मेनी सच काइंड ऑफ सिचुएशंस। एब्सोल्युटली ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप जैसे ही आप थोड़ा एक 10 साल सीखे तो आपको प्रोग्राम के कोई ट्रे मिला के प्रोग्राम ना ना नहीं दे नहीं 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 देगा। तो यू शुड बी रेडी टू फेस, और एक प्रोग्रेशन में आपका म्यूजिक का जो कैरियर है वो बना लीजिए और कि दो आपको दो लेवल पे बनना है आपको, अपना जी म्यूजिक हमेशा अच्छा करते रहना है यस और उसको अलग रखना है, और प्रोफेशनल सक्सेस अलग है। यू नो व्हाट आई एम सेइंग, यस यस अच्छा म्यूजिक होना प्रोग्राम मिलने की गारंटी नहीं है। 100% 100% तो ये आप तैयार रहिए, और मैं तो कहती हूँ कि जो लोग बहुत ऐसे संभ्रा बहुत ज्यादा पैसे वाले परिवारों से नहीं है, वो कोशिश करे कि अपनी लाइवलीहुड पहले कहीं कुछ कर ले, ताकि वो रिस्पेक्टफुली अपनी आर्ट कर सके। द करेक्ट वर्ड रिस्पेक्टफुली इज इम्पॉर्टेंट, यस यस क्योंकि आप वेरी एक, ट्रू हाँ, कुछ ऑर्गेनाइजर्स ऐसे हैं जिनके पास आप बात करते हो तो वो आपसे बात ऐसे करेंगे जैसे आप भीख मांगते हुए आए हैं, यस यस ईगो रखने को नहीं कह रही हूँ मैं, लेकिन यस सेल्फ यस रिस्पेक्ट जरूर रखिए, सेल्फ अगर डेफिनेटली सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होगी तो वो आर्ट पे रिफ्लेक्ट होगी। डेफिनेटली डेफिनेटली बहुत बहुत सही कहा आपने। और दूसरा क्या है ताई, कि हमें हमारा म्यूजिक अच्छा रखना है, बिल्कुल क्योंकि जो कष्ट है जो तकलीफ है वो हमें करना है, द श्रम हमारा है, फल देना भगवान का काम है, जितना हमारे नसीब में लिखा है उतना ही मिलता है। और कितने अच्छे अच्छे चले कलाकार, मतलब जैसे गए जी, बाला साहेब जी है या यशवंत बुआ जोशी, मतलब इनको कुछ रिकग्निशन कुछ नहीं मिला। आई मीन क्या कलाकार थे वो लोग। आई मीन यशवंत बुआ तो और ऐसे बैठते ही बहुत, उनका गाना शुरू हो हाँ, जाता और था। मुझे दुख इस बात का होता है कि लोगों को होश तब आता है जब कलाकार की आवाज हिलने लगती है, जी जी ही बहुत और सही शी है इज नॉट एट हर और हिज और हर बेस्ट, यस वेरी ट्रू वेरी तब ट्रू उनको लगता है कि ये कुछ आर्काइवल वैल्यू का कुछ है तो उनको बुलाया जाना चाहिए, जी क्यों जी उनके पीक में उनको ध्यान नहीं दे रहे हैं। करेक्ट वेरी ट्रू वेरी ट्रू वेरी वेरी ट्रू बहुत सही कहा आपने दीदी। चंद्रिमा दी ने एक बहुत अच्छा कमेंट लिखा है, देर इज नो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू बी एन ऑर्गेनाइजर ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, बट दे गेट सो मच इम्पोर्टेंस, हेंस द एरोगेंस। बहुत सही कहा चंद्रिमा दी ने।
रविंद्र परचुरे जी भी हम हमसे जुड़े हैं सिंगापुर से, तो काफ़ी लोग आज आए थे। ताई ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया आपसे बातचीत, और बहुत ही अच्छा रहा। वेरी वेरी थॉट प्रोवोकिंग हम बोलते हैं इंग्लिश में, इट वॉज रियली अ थॉट प्रोवोकिंग इंटरव्यू। आपने बहुत ही अच्छी तरह से आपकी जो जर्नी है, म्यूजिकल जर्नी और म्यूजिकल थॉट्स जो है, जो आज द प्रेजेंट सिनेरियो के बारे में भी आपने बहुत अच्छी तरह से हम सबको आपने अवगत कराया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने समय आप निकाल के हमारे सभी साथ को, जो लोग उपस्थित हुए, सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब आए और आपने मुझे सुना। मैंने कुछ गलत बोला हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा, और मैं आप सबको दिवाली की अग्रिम बधाई देती हूँ। ईश्वर करे आपके सबके घरों में पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस की ज्योति और प्रकाश हमेशा बना रहे। और धनंजय जी, आपको बहुत बहुत आगे आने वाले इंटरव्यूज के लिए, इस सीरीज के लिए, आपके सांगीतिक जीवन के लिए बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच दीदी, आपके आशीर्वाद ऐसे ही बने रहे मेरे ऊपर। और सबको, मैं सभी दर्शकों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप इतने इतने एपिसोड्स मुझे आपने एनकरेज किया है, सपोर्ट किया है कि मैंने इसको आगे लेके जाने के लिए, ऐसे ही आपका प्यार बना मेरे ऊपर बने रहे, ऐसे मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। और हम फिर से अगले हफ्ते एक नए गेस्ट के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि, नमस्कार।